हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एमबीए ट्रेनर। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। मैं हूं सौरभ ठाकुर। आप ये वीडियो हो सकता है फेसबुक में देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम में देख रहे होंगे, यूट्यूब में देख रहे होंगे, आप जहां पर भी देख रहे होंगे, आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। आप में से वो सारे के सारे बच्चे जो कैट 2019-20 या उसके अलावा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि IFT, SAT, MAT, CMAT, SNAP, इस तरह के अलग अलग एमबीए ट्रेनर एग्जाम्स जो इंडिया में जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स जैसे कि बैंक, SSC, कैंपस, इसके अलावा चाहे बैंक प्रोविजनल ऑफिसर हो, क्लरिकल हो, RRB हो, कुछ भी हो, रेलवेज का एग्जाम या फिर GRE हो, GMAT भी, जब आप इस चैनल पर जाएंगे तो आपको क्वांट, DIL, वर्बल, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट सेशन, इस तरह से बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, तो आप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। आज की क्लास मैंने थोड़ा सा टफ रखा है। आज की क्लास में हालांकि मैंने टॉपिक सिंपल रखा है, सिंप्लीफिकेशन, लेकिन क्वेश्चन आपको अच्छे मजा आएंगे, आपको हिट करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको तब मजा आएगा जब इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन बना के देखेंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन रखा, उसके बावजूद सिंप्लीफिकेशन सारे एग्जाम में हम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने लिखा कैट, जैट, IFT और GMAT। कुछ रीजन है इसका। पहला क्वेश्चन है, इफ 3 to the power of 27 to the power of x इज इक्वल टू 27 to the power of 3 to the power of x, आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, बनाइएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन को मैंने आपको क्यों दिया हुआ है, फिर इसके डिस्कशन को सुनिएगा, तो आपको एक्चुअली उसका ट्रैप समझ में आएगा। फाइन, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बनाया, अब इसका डिस्कशन सुनिए। ये लिखा हुआ है 3 to the power of 27 to the power of x, ये है 27 to the power of 3 to the power of x। मैं बताऊं और आप मेरी बात समझ पाए, इसलिए सिर्फ एक मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, ये ठीक बात है भाई, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। चलिए तैयार हो जाइएगा। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब, ये हो गया x। इस 27 को मैं फिर से लिख सकता हूँ 3 क्यूब, दिस इज 3 to the power of x। क्लियर है भाई? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 to the power of 3, और ये हो गया 3x इज इक्वल टू 3 to the power of, ये हो गया 3 into 3 to the power of x। मेरे ख्याल आप ये भी अग्री कर रहे होंगे। सो दिस इज बेसिकली 3 to the power of 3 to the power of this, ये हो गया 3 to the power of 3 to the power of 1 plus x। इसमें से आप किस चीज़ को कॉमन ले, मतलब किस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, आप सेम बेस होने के कारण यहाँ पर भी 3 to the power of 3 है, 3 to the power of 3 है, दोनों पावर्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आप जैसे कंपेयर करेंगे 3x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x, x इज इक्वल्स टू हाफ। आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, सिंपल तो था बट एट द सेम टाइम इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था। इसका जरा से लेवल अप करते हैं और आप फिर से देखिए क्वेश्चन। मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं आज सिंप्लीफिकेशन का, 5 to the power of 3125 to the power of 25 to the power of x इज इक्वल्स टू 3125 to the power of 25 to the power of 5 to the power of x। पहली बात तो ये चार लेयर में है, इसके लिए ही पहला स्टार मैं इसको देता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दूसरी चीज, ये रहे इसके ऑप्शंस ABCD, और फिर इसके बाद यहां पे लिखा गया है फर्स्ट CND आर करेक्ट, सेकंड AND आर करेक्ट, थर्ड ओनली ए ओनली डी एंड ओनली डी। ये इसके कारण मैं एक और स्टार देता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ द शियर प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है भाई, चलो, तो ये तो मैं समझ गया, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी नहीं, वो देख लेंगे हम लोग, खुद ही देख लेंगे कौन कौन सा करेक्ट है। फिर काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इससे क्या होगा आपको समझने भी आसानी होगी, हटाओ इसको, अभी हमारे लिए आंसर आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पहले समझो इसको, आप समझोगे तो आपको मज़ा भी आएगा। चलिए, पीस बाय पीस एक एक चीज़ आप देखते जाना, मैं इस क्वेश्चन को आपको फिर से लिख के बता रहा हूँ। 5 3125 to the power of 25 to the power of x, वैसे लिख के बताता हूँ, ठीक है, अभी ये हो गया 3125 to the power of 25 to the power of 5 to the power of x। इस वीडियो को पॉज करके जरूर बनाना पहले क्वेश्चन, उसके बाद ही डिस्कशन सुनना, वरना कुछ मजा नहीं आएगा ना, फ्लैट लगे क्वेश्चन। एक यहाँ पे सिर्फ मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी बात कह सकूँ और आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है भाई। आप में से सारे बच्चों को वैसे शायद हो सकता है आइडिया ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 to the power of 3125 को हम लिख सकते हैं 5 to the power of 5। एक एक स्टेप लिखूंगा, अभी स्पीड छोड़ो, है ना, गोली मारो स्पीड को। तो ये हमारा लिखा हुआ है 5, इसे मैंने ऐसे कैसे लिखा, फिर मैंने वहाँ पे एक ब्लू मार्कर से बनाया था एक ब्रैकेट, और उसके अंदर ये हो गया 5 to the power of 5, दिस इज 5 to the power of 5, ठीक है भाई। सो दिस इज 25 to the power of x, राइट। फिर यहाँ पे मैंने एक ब्लू मार्कर से ब्रैकेट बनाया, 3125 को मैं क्या लिख दूँ, 5 to the power of 5, दिस इज 25 to the power of 5 to the power of x, वेरी नाइस। मेरे ख्याल आप यहाँ तक समझ चुके होंगे, एक बार इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिखते हैं, दिस इज 5, ये हो गया 5 to the power of 5, और यहाँ पे ये मैंने ब्रैकेट बनाया था 25 to the power of x, देखते जाइएगा ना ध्यान से, दिस इज 5 to the power of 5 into 25 to the power of 5 to the power of x।
क्या कंपेयर कर सकते हैं? चलिए देखते हैं, ये रहा 5, ये रहा 5, कॉमन बेस हो गया। क्या हम बाकी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। किस चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं? 5, यहाँ से शुरू करो, मिस मत कीजिएगा, यहाँ से ऐसा, ठीक है भाई। 5, दिस इज 5, दिस इज 25 टू द पावर ऑफ एक्स। और मैं क्या कंपेयर कर सकता हूँ? 5 टू द पावर ऑफ एक्स। कोई चीज़ मिस मत होने दीजिएगा, समझते आएगा बढ़िया से। चलिए अब अपना फोकस ना इस पे देखिएगा, ये 25 ये रहा, ये रहा 25, ठीक है, वो तो क्या ही होगा, सबको तो बन जाएगा। कैसे कर दें इसको? देखिएगा, दिस इज 5 टू द पावर ऑफ 5, और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 टू द पावर ऑफ 2x, बढ़िया, नाइस। दिस इज, देखिएगा आप, ये रहा 5 टू द पावर ऑफ 1, इस 25 को मैं लिख रहा हूँ 5 स्क्वायर, और ये था 5 टू द पावर ऑफ x। एक एक स्टेप लिखते हैं, अब इस टाइम वाइज मत सोचना, समझना पहले, जब तक नहीं समझेंगे कोई फायदा नहीं है, याद है, आप समझ चुके। अब इस स्टेप को देखिएगा, सिमिलर स्टेप है, वही लिख रहा हूँ 5 टू द पावर ऑफ 5, दूसरी चीज इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2x। इसी स्टेप को लिख रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पे देख पाए, 5 दिस इज स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर ऑफ x। अच्छा एक बात बताएंगे क्या आप, ये जो हम लोगों ने लिखा था इंटू ये 5 स्क्वायर दिस, ये ऐसा था, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ये हम लोगों ने लिखा है, एक बात आएंगे, ये रहा पावर और ये भी 5 का ही पावर है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 5 दिस इज 5 5 2x, और ये वाला स्टेप देखिए तो 5 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ x, ठीक बात है। सेम बेस को कंपेयर कर दूँ, ये रहा सेम बेस, कंपेयर कर सकते हैं, चलिए कंपेयर करते हैं। दिस इज 5 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2x, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज 1 प्लस 2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ x। अरे सुपर यार, एक बात आई है, 5 टू द पावर ऑफ x को कुछ ले लेते हैं ना, लेट दिस इज इक्वल टू 5y, सो दिस इज 5 y का स्क्वायर, अग्री करते हैं, 1 प्लस 2 ये हो गया y। अरे यार सुपर, मजा आ गया, ठीक बात है क्या? अब तो खैर हमको सर दिखने लग गया आंसर, 5y स्क्वायर माइनस 2y, अभी भी क्वेश्चन जो गलत है, मेरे ख्याल आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने आते होंगे। अब ये मत बोलेगा सर ये टफ, इस साल जितने भी क्वेश्चन कैट में आए थे, कैट में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था क्वांट में जो एक ग्लांस में बन जाता, आपको एफर्ट देना पड़ा था कैट में। कई बच्चे ऐसे थे जिनका 90% क्वांट में क्रॉस हुआ है, उनका भी कहना था कि 15 मिनट तक शुरू में तो मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं बना था, धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया पेपर टफ है, मैंने टाइम इन्वेस्ट किया और मैं 8 क्वेश्चन बनाया, 10 क्वेश्चन बनाया, 12 क्वेश्चन बनाया, 15 क्वेश्चन बनाया, 8 क्वेश्चन प्लस में तो 90% आ जा रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इस बार टफ क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि आपको मजा आए। तो इसमें रूट्स तो निकल जाएंगे, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तो आप जानते हैं, माइनस बी ये रहा तो हो गया 2, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 5। चलिए यहाँ तक तो मैं समझ गया, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 4 इज 24, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस दिस 24 मतलब 2√6, दिस इज 2 इंटू 5, सभी में से कैंसिल हो जाएगा, दैट्स फाइन, 1 प्लस प्लस माइनस दिस, ये है y, और y खुद क्या है यार, y है 5 टू द पावर ऑफ x, 5 टू द पावर ऑफ x, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? आप खुद मुझे बताओ, नहीं हो सकती नेगेटिव, एंड दैट इज वाई नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिए, तो क्या बच गया, 1 प्लस रूट 6 दिस। लेकिन हमारे आंसर का फॉर्मेट तो ऐसा कुछ है नहीं, लॉग ले लेते हैं, जैसे ही आप लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर रूट के आगे आई, लॉग का मैंने फुल लेक्चर आपको यहाँ पे चैनल में पोस्ट कर रखा, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, दिस इज लॉग 5, एंड व्हाट इज दिस, लॉग 1 प्लस रूट 6 माइनस लॉग 5, अग्री करते भाई, अल्टीमेटली x इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस रूट 6 माइनस लॉग 5 डिवाइड बाई लॉग 5। मैंने आपसे वैसे क्वेश्चन में यहाँ तो मिट गया, लेकिन मैंने आपसे x प्लस 1 पूछा था, और जब आप x प्लस 1 की वैल्यू क्या है ये मैंने पूछा था, तो ये तो x की वैल्यू हो गई, और प्लस 1 क्या हो जाएगा,
अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला है तो x प्लस वन क्या हो जाएगा भाई, प्लस वन जैसे ही आप करेंगे सो दिस वुड बी लॉग वन प्लस रूट सिक्स, लॉग फाइव माइनस लॉग फाइव कैंसिल हो जाएगा, सो दिस वुड बी लॉग फाइव। चेक करें आंसर, तो लॉग वन प्लस रूट सिक्स और नीचे आगे लॉग फाइव। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो ऑप्शंस है वन, नहीं इतना सिंपल तो आंसर है भी नहीं, ये रहा माइनस ये रहा प्लस, माइनस वाला आंसर नहीं है, डिस्कार्ड कर दिया था हमने। कितना अच्छा ऑप्शन चॉइस, आप ये देखिए, इसलिए मैंने आपको बोला ना ट्रैप, एक मार्क्स तो ट्रैप का जाता है, अगर आप नेगेटिव को निगेट नहीं करते तो फिर आंसर रह सकता था, लेकिन 5 टू द पावर ऑफ एक्स नेगेटिव जनरेट नहीं कर सकता, सो दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर। एक ऑप्शन था उसमें ओनली डी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कितना क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं आया, बढ़िया क्वेश्चन था ये, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इन एग्जाम्स में नहीं आ सकता, बिल्कुल इस लेवल के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस साल पिछले कई सालों का कैट का सबसे टफ क्वांट आया था, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिएगा, और अब जो पढ़ना शुरू किए हैं कैट 2019-20 के लिए, अच्छा टफ कॉन्सेप्ट बनाइएगा, बढ़िया क्वेश्चन को बनाइएगा। जी मैट अगर आप टारगेट किए हुए 700 से ऊपर लाने का, तो भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फाइन। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपको मजा आया कि नहीं मजा आया, मजा आना जरूरी है एकदम मस्त से। पैरेलल में हम लोग बैंक एसए के भी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, वो भी काफ़ी आसान है, उसको भी देखते जाइएगा, राइट। ये जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जनवरी का मंथ है 2018 है अभी, अब आप सेकंड राउंड की तैयारी कर रहे होंगे, जीडीपीआई के राउंड की तैयारी कर रहे होंगे, अभी हमारे एमबी ट्रेनर में भी जीडीपीआई का क्लासरूम प्रोग्राम एज वेल एज लाइव ऑनलाइन क्लासेस दोनों स्टार्ट हो चुकी हैं, और लाइव ऑनलाइन क्लास एक्चुअली स्टार्ट होने में, तो आपने देखा होगा नीचे एक नंबर डिस्प्ले होगा, आप चाहें तो वहाँ पे कॉल करके डिटेल में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं कैट 2019-20 के लिए, बैंक के एग्जाम के लिए, एससी के एग्जाम्स के लिए, इनकी भी क्लासेस क्लासरूम बेस्ड भी होंगी। इसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ से, हम लोग भिलाई में यहाँ से बाहर है कहीं पर भी, आप बैंगलोर में, मुंबई में, कोलकाता में, तो आप चाहें तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, उसके लिए आपको मोबाइल में भी बन जाएगा, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, जैसे अटेंड करना चाहें। डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर जो नीचे मेंशन किया हुआ है। इसके आगे चीज़ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं सौरभ ठाकुर सभी लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।